दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो छत में पाइपिंग किया है ये प्रॉपर चारों तरफ मेरा फाइनल हुआ। छत में पाइपिंग करते समय हमने वीडियो नहीं शूट किया है, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरिया है अभी भी बांधा जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ, काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ा, उसके बाद मेरा काम फाइनल हुआ। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी भी सरिया बांधा जा रहा है, तो ये गलत है, कभी भी ऐसा न करें। क्लाइंट को सलेशन दें कि सर आप सरिया को फाइनली बनवा लीजिए, उसके बाद हमको टाइम चाहिए, आप साइड को देख लें कितना एरिया में है, उसके हिसाब से क्लाइंट को टाइम दें कि हमको एक दिन या दो दिन टाइम चाहिए, वो साइड देखकर आप अपने हिसाब से कस्टमर को बता सकते हैं, तभी अच्छा तरह से पाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो पाइपिंग किया है बहुत अच्छा तरह से पाइपिंग किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सरिया बांधा गया है ये डबल जाल में बांधा गया है। दोस्तों कहीं पर जाते हैं तो डबल जाल में सरिया मिलता है और कहीं पर जाते हैं तो सिंगल जाल में सरिया मिलता है, लेकिन ये चीज़ को एकदम ध्यान रखें कि यदि डबल जाल में सरिया बांधा हुआ है तो वहाँ पे पाइपिंग कभी भी दोनों जाल को बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल जाल बांधा हुआ है, हमने आप देख सकते हैं चारों तरफ जो भी मेरा पाइप फिटिंग किया हुआ है वो बीच में पाइपिंग है, यानी एक पाइप को नीचे सरिया है और एक पाइप को ऊपर सरिया है, तो ये पाइपिंग जो भी किया हुआ है दोनों सरिया को बीच में किया हुआ है, यानी डबल जाल कहीं पर है तो उसको आप ये चीज़ एकदम ध्यान रखेंगे कि बीच में ही पाइपिंग को फिट करेंगे। इससे फ़ायदा यह है कि दोस्तों जब सेटिंग खुलेगा तो वहाँ पे बिल्कुल फेस में जब कंसील बॉक्स हो या फैन बॉक्स हो बिल्कुल फेस में मिलेगा, तो कभी भी ये चीज़ को ध्यान रखें कि डबल जाल मिलता है तो वहाँ पर कभी भी बीच में ही पाइप होना चाहिए। और यदि सिंगल जाल जहाँ पे है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने जो भी पाइपिंग फिटिंग किया है हर भाग में दो दो रूट बनाया है, ताकि दोस्तों एक रूट यदि फेल कर जाता है तो एक रूट में आसानी से आप वायर को डाल सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखें कि कभी भी एक रूट पर काम न करें, दो रूट ज़रूर बनाएं। और दोस्तों जो वाल में हम लोग डाउन गिराते हैं वो भी जितना ज़्यादा डाउन गिरा सकते हैं काफ़ी अच्छा होगा, वाल में चारों तरफ ड्रॉप किया हुआ रहेगा तो बिल्कुल जब वाल कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आसानी से काम होगा।